भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्षा काल चल रहा है, वर्षा काल में हमारे जो रेगुलर मरीज आ रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से आएंगे, लेकिन मरीजों को आने में कोई कठिनाई ना हो। डॉक्टर यादव ने कहा कि हमीदिया हॉस्पिटल प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसकी अपनी क्षमता 2250 बेड की है। अभी करीब 1850 बेड तैयार हैं, इनमें करीब 1400 मरीज हैं। हमारा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट चल रहा है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें किसी को कोई कठिनाई ना आए। कुछ नए काम की दृष्टि से यहाँ मेरे पास प्रस्ताव भी आए हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी 35 करोड़, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ऑर्थोपेडिक्स 42 करोड़ और कैंसर उपचार के लिए नई मशीनें 30 करोड़ रुपये के प्रस्ताव आए हैं। बोन मैरो सेंटर जल्द प्रारंभ किया जाएगा। पीजी छात्रों के लिए नया छात्रावास ब्लॉक 20 करोड़ का। एमआरआई सिटी मशीन जल्द ही 20 करोड़ की आने वाली है। नया एकीकृत ओपीडी ब्लॉक 35 करोड़ का है, ये हाई राइज बिल्डिंग बनेगी। नया यूजी छात्रावास 17 करोड़ का बनेगा। वर्षा काल चल रहा है और वर्षा काल में स्वाभाविक रूप से हमारे रेगुलर जो मरीज आ रहे हैं वो मरीज आएंगे, लेकिन मरीजों को आने में कोई कठिनाई नहीं हो। और ये प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसकी अपनी क्षमता 2250 बेड तक की है, लेकिन अभी एवरेज अभी 1850 के आसपास तो बेड तैयार है, लेकिन मरीज 1400 के आसपास है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार का हमारा ये हॉस्पिटल का मैनेजमेंट चल रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें किसी को कठिनाई नहीं आए। कुछ नए काम की दृष्टि से भी यहाँ मेरे पास प्रस्ताव भी आए हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी का 35 करोड़ का, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्थोपेडिक्स 42 करोड़ का, कैंसर उपचार के लिए नई मशीनें 30 करोड़ की, बोन मैरो सेंटर जल्दी प्रारंभ किया जाएगा, पीजी छात्रों के लिए नया छात्रावास ब्लॉक 20 करोड़ का, एमआरआई सीटी मशीन जल्दी 20 करोड़ की आने वाली है, नया एकीकृत ओपीडी ब्लॉक 35 करोड़ का, ये हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, तो नया यूजी छात्रावास भी 17 करोड़ का। कुल मिलाकर के विकास के मामले में, खास करके हेल्थ के मामले में हमारी सरकार बहुत गंभीर है, लेकिन सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले धनराशि का भी उपयोग प्रॉपर हो, उससे जनता के बीच में एक विश्वास भी बनता है और खास करके सरकारी अस्पतालों पर जनता का विश्वास भी है। हमारा प्रयास है कि इन सारे कामों में गुणवत्ता के साथ अपनी दक्षता से भी सभी अपनी ड्यूटी करें। वर्षा काल चल रहा है और वर्षा काल